हेलो दोस्तों, मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ फ़ोन पे यूपीआई पासवर्ड रीसेट कैसे करें। अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है तो बहुत ही आसान तरीके से दोबारा पासवर्ड बना सकते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो शुरू से आखिर देखें, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, फ़ोनपे को लॉगिन कर लेना, और लॉगिन करने के बाद क्या करना है, प्रोफाइल फ़ोटो पर क्लिक करेंगे। और जैसे आप क्लिक करें, जितने बैंक अकाउंट आपके फ़ोनपे में लिंक होगा वो यहाँ पर आपको शो करेगा। जैसे यहाँ पर दो बैंक लिंक है, HDFC बैंक और पंजाब है, ठीक है। जिसका भी पासवर्ड आपको रिसेट करना है, सिंपली क्या करना है, उस पर क्लिक कर देना है। और जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेगा, रिसेट और चेंज, ठीक है। अगर पासवर्ड को चेंज करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। अगर पासवर्ड आपको याद नहीं है तो रिसेट पर क्लिक करना है, ठीक है। चलिए मैं रिसेट पर क्लिक करता हूँ। और जैसे रिसेट पर क्लिक करेंगे तो उसको यहाँ पर देखिए लास्ट 6 डिजिट योर कार्ड नंबर, ठीक है। तो डेबिट कार्ड का नंबर आपको यहाँ पर लास्ट 6 डिजिट आपको इंटर कर देना है। चलिए मैं इंटर कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर कार्ड नंबर इंटर कर दिया, उसको यहाँ पर आपको एक्सपायरी डेट इंटर करना है, ठीक, मंथ और ईयर्स, ठीक है। चलिए मैं इंटर कर देता हूँ। और इंटर करने में यहाँ प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। और जैसे प्रोसीड करेंगे उसके बाद देखिए यहाँ पर OTP ऑटोमेटिक इंटर हो जाएंगे। उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पर राइट पर क्लिक करना है। उसको देखिए इंटर 4 डिजिट ATM पिन, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ATM पिन इंटर कर देना है। चलिए मैं इंटर कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे ATM पिन इंटर कर दिए, उसको राइट पे क्लिक किया। उसको तो यहाँ पर सेट 4 डिजिट UPI पिन, ठीक है। तो जो भी पिन आप रखना चाहते हैं UPI पिन, वो आपको यहाँ पे इंटर कर देना है, ठीक है। तो मैंने इंटर कर दिया, उसको राइट पे क्लिक किया, दोबारा फिर से आपको इंटर कर देना है। और इंटर करना है उसको राइट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर जैसे पासवर्ड रिसेट हो चुका है, ठीक है। इस तरह से रिसेट करने के बाद बैलेंस जरूर चेक कर लें, ठीक है। चलिए चेक बैलेंस पर मैंने क्लिक किया, और जो भी आपने UPI पिन बनाया वो आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। और मैंने इंटर कर दिया, उसको राइट पे मैंने क्लिक किया। तो यहाँ देखिए बैलेंस यहाँ पर शो कर रहा है। तो इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से UPI पिन को रीसेट कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसी तरह का वीडियो देखना आप पसंद करते तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे, फेसबुक पेज फॉलो कर सकते हैं। अब मन में कोई सवाल हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।